इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। अपुन किधर था मालूम नहीं, इधर कौन लेके आया मालूम नहीं, काय को लेके आया मालूम नहीं। कौन है तुम लोग? ये यादव ताई हैं, इस हॉस्टल की वार्डन, और मैं त्रिवेदी, इनका राइट हैंड। कौन सी जगह ये? अपुन को काय को रखा इधर? ये केन्या हॉस्टल है गणेश, अपने हॉस्टल के बिल्कुल पास। गुरुजी ने ही बोला है तुम्हें यहाँ रखने के लिए। बेंचो तपन, कोई कुर्सी है क्या? जब चाहे इधर रख दो हैं। और ये कौन सा सड़ेला तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का? मुर्जा लन माफिंग मार के जगाया मेरे को। गणेश, रात के 9 बज रहे हैं, सुबह के नहीं। अभी भी नशे में है ये, अच्छे से नींबू चटाओ इसको। कल रात को गर्ल्स हॉस्टल में जो कांड किया ना तूने, उसके बाद डीन परुल करने तुझे निकाल के बाहर फेंक दिया, तब से इधर ही है तू। ये वार्डन, ये सड़ेला खाना नहीं खाना मेरे को, मुर्गा चाहिए मेरे को। सब कुछ मिलेगा, पहले मेरा एक काम कर दे। हाँ बोल। वक्त आने पे बताऊंगी, चल रे। ये क्या, तेरे वक्त आने तक क्या मैं ये सड़ेला खाना खाएगा क्या? मुर्गा दे दे मेरे को। ए वार्डन, चल पनीर दे दे, मुर्गा समझ के खा जाएगा अपन। इंच सबको करती है, मेरे को तो खुद फोन करके याद दिलाया उसने, मैं तो भूल गया। पता नहीं अपने से क्या प्रॉब्लम है उसको, अपने सामने काय बासी चिप्स माफिक हो जाती है। तो उसको बताता क्यों नहीं, तो उसका लाइक करता। गर्ल्स हॉस्टल जाओ और बता दे, बर्थडे दे रहा, मना तो ना करेगी। टाइम देखा है, अब एक बाप की औलाद है तो बैठा रहे मेरी तरह। पी अपन उसको जाके बताएगा ऐसा देवल भाई, एक बाप की औलाद नहीं अपन, तीन बाप की औलाद है, दिखाएगा अपन। सुभद्रा निकल हॉस्टल से, अपन तेरे से प्यार करता है सुभद्रा। हेलो, हाँ परुलकर सर। हैप्पी बर्थडे गायतुंडे, कहाँ जा रहा है? अंदर जाने का है, और क्या है, अब उनकी सोलमेट रहती इधर। ओह, अंदर जाना है। वाह परुलकर सर, जा। ईशा देओल और सुभद्रा पहले से ही रिलेशनशिप में थे और अपन का चूतिया काट रहे थे। ये अपने को तब मालूम चला जब अपने को हॉस्टल से कूड़े माफिक निकाल के फेंक दिया गया। अपन नहीं जानता था कि अपने को क्या करने का है, अपन को बस गांड मारने की थी। भाई धीरे बोल यार, बंदी से बात कर रहा हूँ। अरे तुम्हारी कसम पूरा खाना खा जाऊंगा। रिलेशनशिप वालों को इस हॉस्टल के खाने से दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वो खाना मुंह से नहीं लंड से खाते थे। अपन को इस सड़ेले हॉस्टल से बाहर निकलने का था और इस सच्ची गांड मारने की थी। क्या बात है मेगा, इतनी रात को मुझे लाइब्रेरी में क्यों बुलाया? तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को लाइब्रेरी में जहाँ कोई नहीं है क्या कर सकते? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेगा, पर तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान लगता ही कहाँ है, 15 मिनट में थक के सो जाती हूँ। सरताज तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मेगा मेरे पीरियड चल रहे हैं, पहले फाइनेंस का, फिर इकोनॉमिक्स का, और फिर सेल्स की एक्स्ट्रा क्लास है। इट्स हार्ड। पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम दोनों इतने रात को लाइब्रेरी में?
कुछ नहीं सर, हम तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या तुमने तो कहा था रात को कपल पढ़ाई नहीं करते। छी, किस झूठी के प्यार में पड़ गया मैं सर। लगा ही था, ये तुम्हारी उंगली में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, वो एक टीचर ने मुझसे गुरुदक्षिणा मांगी तो जब मैं पैसे लेने अपने हॉस्टल गया तो मेरा अंगूठे दरवाजे में आ गया। इट्स वेरी कॉमन, 1 out of 3 पीपल हैव इट। अगर लाइब्रेरी में किताब के अलावा कुछ और खोला ना तो मैं तुम्हारी माँ को फोन करूँगा। नहीं सर, मैं इसके बाद कभी मिलूंगी नहीं इससे। मेघा रिलैक्स, इनकी बातों को तो सीरियसली मत लो। अगर ये सीरियस होते तो हमारी कम से कम एक फोटो तो लेते। ओ कम ऑन, चीयर अप, चीयर अप मेघा। मिल गया, सी एवरीथिंग इज नॉर्मल। सरकार अपनी शिकन मत दिखाना मुझे आज के बाद। क्या मेघा, मेघा आप कौन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? अरे कम ऑन, हेलो हेलो, कैसे हो सरताज साहिब? लगता है आपकी घांट फटी हुई है। तुझे कैसे पता बे? तू तो मेरे पीछे भी नहीं खड़ा। अरे आपकी आवाज ही काफी है सरदार जी। और ये अंगूठे में क्या हुआ आपके? कल वो कुछ पार्क में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल मेरी तरफ आ रही थी तो एक फील्डर मेरे अंगूठे पे चढ़ गया। अबे तू छोड़ ना यार, तू ये बता तूने कॉल क्यों किया? आपकी लव स्टोरी भी सीजन 2 की तरह टट्टी निकली सरदार जी। आज आपका ब्रेकअप हुआ है ना, कल पूरे हॉस्टल का ब्रेकअप होएगा। जाके बचा लो अपने हॉस्टल को, 25 घंटे हैं आपके पास। चलो 26 मान लो, अपन ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इंटरनेशनल रोमिंग में बुदापेस्ट घूम रहा है अपन। हाय मेघा। क्यों बुलाया सरताज मुझे? आई एम सॉरी मेघा, एग्जाम्स के प्रेशर में मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। क्या हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं मेघा? मैं पढ़ाई के लिए किताबें भी लाया हूँ। यू नो व्हाट सरताज, तुम कॉलेज के टॉपर हो पर तुम सेक्स एजुकेशन में जीरो हो। मैंने तुम्हें रोमांटिक मैसेजेस भेजे, बोला आई वांट डी, तुमने मुझे धूप में खड़े होने को बोल दिया। तो हाँ मेघा, धूप से मिलता है विटामिन डी, तुम जितना चाहो उतना डी ले सकती हो। यू नो व्हाट सरताज, यू आर अ सी। ऑफ कोर्स, कार्बन, ऑल ऑफ अस आर। नहीं, चूतिया। वाओ, अब तुम मुझे बैड वर्ड्स भी बोलने लगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मेघा? तुम हो मेरी प्रॉब्लम सरताज, तुम्हारा बचपन मेरी प्रॉब्लम है। मैं एक बच्चे के साथ नहीं रह सकती। 25 साल का गबरू बच्चा नहीं होता मेघा। अच्छा क्या कर रही हो? नहीं मैं क्या कर रही हूँ मेघा, 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 लेट इट बी। 25 साल का गबरू ना अंगूठा नहीं चूसता। मेघा, मेघा, यादव ताई अपुन को नहीं रहना है सड़े ले हॉस्टल में, अपुन को अपने हॉस्टल वापस जाने का है। ए बाड़ा, मैंने तेरे को रहने को छत दी, घूरने को दीवारें दी, बाहर निकलने को दरवाजा दिया, ये सब मेरी बदौलत है, वरना तेरी औकात नहीं थी। कर लगा, तेरे घर से जब पैसे आएंगे ना तब बात करेंगे। कर लो, अपुन को ईसा का ब्रेकअप करवाने का है बस। मैं करवाऊंगी ईसा का ब्रेकअप, और उससे पहले प्रीति का ब्रेकअप करवाना होगा। कौन प्रीति? सगमित सांगे सकाता। प्रीति इनके हॉस्टल की टॉपर है, शाहिद के साथ रिलेशनशिप में आते ही प्रीति की पढ़ाई के लौड़े लग गए। कैसे करवाने का ब्रेकअप? हॉस्टल में बहुत बड़ी पार्टी रख, उसमें शाहिद को बुला, और जब शाहिद प्रीति को मिले दोनों की फोटो खींच मुझे भेज दे। और ये जो तेरे हॉस्टल में सड़ेले रन भरे पड़े काय को आएंगे अपनी पार्टी में? अपन को कोई नहीं जानता इधर। पुरुषोत्तम को मिल, उसको सब जानते हैं। साड़ी है तू,
पुरुषोत्तम इस हॉस्टल का गुज्जू लौंडा था, और गुज्जुओं की कमजोरी तो आपको पता है ना सरदार जी, दारू और धंधा। ठीक है, भिजवाता हूँ, भिजवाता हूँ। पुरुषोत्तम भाई, अपन को इस हॉस्टल की सबसे बड़ी पार्टी कराने का है। तुम इस हॉस्टल में सबको जानता है, सबको बुलाओ अपनी पार्टी में। मैं पार्टी में सबको बुलाऊंगा, A1 चकना भी खिलाऊंगा, यहाँ तक कि घुंघरू पहन के नाचूंगा भी। लेकिन तू मुझे एक बात बता, क्यों? एक बार अपने लिवर की जगह अपने दिमाग से सोच के देखो। पार्टी में दारू अपनी होगी, लेकिन चकना किसका बिकेगा? भाई तोंडे भाई, पार्टी की तैयारी शुरू करो। अपुन ने एंट्री तो नेटफ्लिक्स वाली मारी थी सरदार जी, लेकिन अंदर आते ही अपने शो का दूरदर्शन हो गया था। काहे कि हर एक लौंडा एक एक लड़की के साथ अपना कोना पकड़ चुका था, और अपुन अपनी पार्टी में अकेला हो गया था। आए तो उन्हें भाई, मैं चकना तो A1 लेके आया हूँ, लेकिन दारू किधर है? अब दारू नहीं है तो कोई चकना खरीद भी नहीं रहा। अपुन किसी गुजराती के दांडे और दारू की रिक्वेस्ट इग्नोर नहीं करता पुरुषोत्तम भाई, चाहे अपने को चांद पे जाके क्यों ना लाना पड़े। तो करो ना भाई। जो जो अपने को 4 बोतल स्कॉच का मांगता है। औकात है हॉस्टल की लौंडों की स्कॉच पीने की? कल तक तो काली चाय में पार्ले जी डाल के पी रहे थे, आज वही लौंडे पार्ले जी को स्कॉच में डाल के पियेंगे। नो रूल्स वाली सोच है अपनी। चल 4 बोतल विलियम लॉसेंस के भेज। हॉस्टल से निकलना है तेरे को, डर नहीं लगता? तो निकालेगा मेरे को, 4 बार कोशिश कर चुकी हूँ। इसमें कोशिश क्या करना है, पंखे में रस्सी डालो लटक जा। जब तेरा पंखा टूटेगा वार्डन खुद तेरे को गेट तक छोड़ के आएगी। अरे मेरा एसी वाला रूम है। चल छोड़, तू ये बता कि दारू कहाँ भिजवानी है। किनिया हॉस्टल। ठीक है, छोटू आएगा दारू लेके, ड्रिंक्स बनाएगा और खाली बॉटल लेके जाएगा। वो आएगा, बनाएगा और लेके जाएगा, अपन के इधर बैठ के हिलाएगा। अरे नहीं हिलाएगा भी वही ड्रिंक्स को। अरे बारटेंडर है वो गांडू। तो एक काम कर, तू भी साथ में आ जा। क्या करेगी तेरे लौंडो की पार्टी में? लड़कों की पार्टी में लड़कियां नहीं आ सकती, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है। पता है ना अपनी नो रूल्स वाली पार्टी है। गर्ल्स हॉस्टल 8 बजे बंद हो जाता है गाय तोंडे। तू कर पार्टी, मैं दारू भिजवाती हूँ। अब आया ना पार्टी में जा। हिरन माफी कड़क जाओ उसको। मज्जानी लाइफ गाय तोंडे भाव। पुरुषोत्तम भाव, अपन अपना वादा पूरा किया, लेकिन तुमने पार्टी में सबको नहीं बुलाया। बोलना भाव, किसको बुलाना है? रीना, सीना, करीना, सबका बॉयफ्रेंड को जानता है मैं। प्रीति के बॉयफ्रेंड को बुलाने का है, शाहिद कपूर। हाँ शाहिद कपूर, किधर है भाई? इधर पार्टी हो रहा है, सब लोग आए, आ ना। हाँ चकना दारू बीरू सब है, टेंशन नहीं। शाहिद और प्रीति का ब्रेकअप लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले पार्ट में शाहिद कपूर कबीर सिंह बनने वाला था। यादव ताई, फोटो भेजा अपन तेरे को। मस्त है कैमरा, मस्त है तेरा। अरे शाहिद कपूर का ब्रेकअप करवाया अपन, फिनिश। सही किया, बहुत सही किया। अरे ईसा का ब्रेकअप कैसे करवाने का वो बता। कौन ईसा? ये डील हुई थी अपनी, बताए। ईसा, हाँ याद आया, याद आया ईसा। वो तो सुभद्रा के साथ कल फ्लैट में शिफ्ट हो गया, लिव इन। अब कुछ नहीं हो सकता। चीटिंग किया अपने साथ, अब उनको चुतिया बनाया, देख लेगा मैं तुम सबको। चीटिंग किया अपने साथ, वो देखते रहते।
हुआ गणेश? क्या हुआ गणेश? अबे तेरे सामने हुआ ना जो हुआ, दिखाई ना तेरे को, आंखों में फ्रैक्चर हो गया क्या तेरे? हैं अभी क्या एक्शन रिप्ले करके दिखाया मैं तेरे को यहाँ पे? जो देख तो सुभद्रा छोड़ के चली गई अपने को, हॉस्टल से निकाल दिया मेरे को, ऐसा लग रहा है अपन अपन रेड जोन में फंसे लाए, पता नहीं क्या करेगा अब। जब तुम कभी किसी गेम में फंसते हो तो क्या करते हो? अनइंस्टॉल करके पॉन्ड देखना चालू कर देता है अपन। लेकिन ये गेम तुम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते गणेश, ये हॉस्टल गेम्स है, यहाँ तुम्हें हिंट लेना पड़ेगा, वो भी एक इंसान से, भगवान से। भगवान में तो मानते हो ना? कुछ लोग उन्हें गुरुजी बोलते हैं तो कुछ लोग रायन गॉसलिंग। त्रिवेदी बोला कि गुरुजी के पास खाने को देसी मुर्गा, सोच देखने के लिए हाई स्पीड वाईफाई और भागने के लिए साफ सुथरा पर्सनल कमोड मिलेगा। इससे ज्यादा एक हॉस्टलर को क्या चाहिए होता है सरदार जी? अपन बिक गया। इसमें मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता, पीछे पड़ी थी सुजाता, बट आई चोज यू। अरे सरताज मिया, कम से कम राइम में तो गा लीजिए। अरे तुम मेरे तो क्या समझोगे यार, तू तो चार चार बंदी घुमा सकते है मस्जिद। अल्लाह माफ करे सरताज, आई एम अ वन वुमन मैन, अपनी गर्लफ्रेंड से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ सरताज, और खुदा ने चाहा तो एक दिन उनसे अपना निकाह भी मुकम्मल करूंगा। सो क्यूट, मैं भी मिका के साथ यही करना चाहता था, पर उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पा रहा हूँ मस्जिद। आप हताश ना हो सरताज मियाँ, मेघा भाभी भी कहीं किसी कोने में आपकी याद में रो रही होंगी, आप मेरे अकाउंट से उनका दीदार कर लीजिए, ये लीजिए। शुक्रिया माजिद। क्या हुआ, ज्यादा रो रही है क्या? ये कौन सी जगह? ये तो कोई गुरु का आश्रम लग रहा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। पर तुम्हें वहाँ की लोकेशन भी नहीं पता सरताज। मैं ढूंढ लूंगा, आई एम गुड विद डायरेक्शंस। सरताज दरवाजा इस तरफ है। थैंक यू। आश्रम पहुंच के अपन को मालूम पड़ा कि ये खेल इन सब हॉस्टलर्स से, आपसे, मुझसे, यहां तक कि 5 दिवसीय टेस्ट मैच से भी बहुत बड़ा है। टाइम इज वेस्टेज व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप। फॉर सेक्स यू नीड 1 मिनट एंड 30 सेकंड इफ द एसी इज टू कोल्ड। But for preparation, you spend years and years and years and years. But if you are single, then no need for preparation. Only need 1 minute and 30 seconds if the AC is too cold. Time is infinite in a single life. Guruji time bachane ki baat to karta tha, lekin Bheen Chod khud bahut slow bolta tha. Hostel life is divided in 2 yugas. सैटयुग और कौलयुग। सैटयुग जहाँ कोई आपसे सेट हो ना हो पर आप हमेशा सेट रहते थे, और कौलयुग ये जो चल रहा है। सैटयुग एंडेड बिकॉज ह्यूमन स्टार्टेड हैविंग सेक्स। व्हाई ह्यूमन स्टार्टेड हैविंग सेक्स? ठरक, समवन सेड ठरक। निकल जाए यहाँ से, खड़े होकर निकल जाए यहाँ से। Humans started having sex because porn became too boring. आदि मानव गुफाओं में बने चित्रों को देखकर ऊब चुका था, इसलिए वो संभोग करने लगा। For 1 minute and 30 seconds if the winter has arrived। गुरुजी बोला कि ऑर्गेज्म के लिए इंसानों और porn के भरोसे नहीं रहने का। अगर अपने को कॉल युग से सेट युग में वापस जाने का है तो पूरे हॉस्टल को बलिदान देना होगा। सामूहिक मुक्ति बंधन। मास ब्रेकअप। अहम और गाज। अहम और गाज। अहम Hey guys! क्या आप भी अपनी विलियम लॉसन स्कॉच पार्ले जी के साथ पीते हैं? शेयर योर चकना टिप्स इन द कमेंट सेक्शन विद #NoRules एंड विन कॉम्प्लीमेंट्री गुडीज फ्रॉम विलियम लॉसन स्कॉच।
और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गुरुजी ने हॉस्टल के लॉन्डो के साथ ऐसा क्या किया है तो एपिसोड 2 जल्दी आने वाला है, और इस एपिसोड को गुरुजी की तरह अपना प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पट्टी।